माता रानी के इस दरबार में आज पहुंच गए हैं अमर उपाध्याय अपनी बीवी संग, जिन्होंने माता से जोड़े में लिया आशीर्वाद और इस माता रानी की चौक में झूमते नाचते अपने आने वाली जिंदगी के लिए की मनोकामनाएं। सबसे पहले जानना चाहूंगी, माता के दरबार में आए कैसा फील कर रहे हैं, माता से आपने क्या कुछ मांगा? हाँ, बहुत सुकून फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत लाइट, बहुत एनर्जेटिक एट द सेम टाइम, एंड बहुत मजा आ रहा है। एकदम सारी परेशानियाँ, टेंशन, ये सब एकदम निकल गई मेरे जहन से और बहुत मजा आया। और कुछ मांगा नहीं मैंने, बस मजा लिया पूरे आरती का, भजन का, गानों का, दैट्स इट। बचपन से, मतलब मैं जब से छोटा था तब से हमारे गुजरात में, या गुजराती हैं हम लोग, तो गरबा खेलना तो अनिवार्य था, क्योंकि हमारे वहाँ जहाँ मैं कांदिवली में बड़ा हुआ हूँ वहाँ पर तो रोड पर सार्वजनिक नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता था। एक 12-15 बिल्डिंग बना के रास्ते पे मंडप लगा के, तो हम लोग बच्चे थे तब तो कोई 10 बजे का डेडलाइन नहीं था रात को, तो फुल नाइट वी यूज़ टू प्ले एवरी नाइट गरबा। मेरे डैड गाना गाते थे, यू नो, सारे माता जी के भजन गाते थे और लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था जैसे हमारे डैड, तो बहुत मज़ा आता था। और हर रोज़, मतलब 9 दिन हमारे घर पे माता जी की पूजा होती है, यू नो, चंडी पाठ का प्रॉपर पाठ होता है और आरती होती है रोज़। आज भी मेरे बच्चे मेरे साथ करते हैं पूजा, हम लोग मतलब इतने सालों से ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो बहुत स्पेशल होता है ये 9 दिन हमारे लिए, हमारे घर पर बहुत स्पेशल है। शिव शक्ति की आरती होती है, जो मतलब बहुत ही पावरफुल आरती है, शिव शक्ति की जय आध्या शक्ति के नाम से फेमस है, तो वो हम बजाते रहते हैं और वो बहुत पावरफुल है, वो सुनने के बाद तो मतलब बहुत मज़ा आता है। आज डोरी की यहाँ पे पूरी कास्ट आई है, कैसे बताना चाहेंगी कि सबसे मिलना हुआ और सेट पे कैसा माहौल रहता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज? हाँ, आज सारे डोरी के मेरे कैरेक्टर्स सभी फुल कास्ट इज हियर, तो अलग रूप में सब लोग हैं आज, यू नो, नॉर्मल सेट के कपड़ों में नहीं है और अलग माहौल है, तो देख के मज़ा आ रहा है सबके साथ ऐसे अवसर पर, सबके साथ यहाँ पर माता की चौकी में शामिल होकर अच्छा लग रहा है और सब मज़े कर रहे हैं, एक्चुअली सबको अच्छा लग रहा है। सुधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुधा चंद्रन जी का, कि ऐसे माता की चौकी में हमको बुलाया और माता जी का आशीर्वाद मिला, हमको हमारे शो को मिले आशीर्वाद माता जी का और हमारा शो नंबर 1 हो जाए। आज कंट्री में टॉप 8 पे आ गया है, टॉप 10 में नहीं, टॉप 8 में है हम लोग आज, 1.5 महीने हो गया, एक्चुअली 2 महीने हो गए और नंबर 8 पे हैं, तो नए साल में आशा करूंगा कि माता जी के आशीर्वाद से हमारा शो नंबर 1 हो जाए, यू नो, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑन स्क्रीन तो हम देखते ही हैं, ऑफ स्क्रीन सुधा जी के साथ आपका बॉन्ड कैसा रहा है, क्या कुछ सीखने को मिला है या फिर कैसा आप शेयर करते हैं बॉन्ड उनके साथ? सुधा जी के साथ बालाजी में कई बार मुलाकात हुई, कभी साथ में काम करने का मौका नहीं मिला, पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। सुधा जी की बहुत अच्छी अलग स्टाइल है काम करने की, मेरी अपनी एक स्टाइल है काम करने की, और दोनों हम लोग बहुत अच्छी तरह जेल कर गए हैं, यू नो, वो मेरे ऑपोजिट हैं, वो नेगेटिव प्ले कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, हमेशा से करती हैं, मतलब अपने आप में लेजेंड हैं वो, तो आई थिंक इट्स अ लवली फीलिंग टू वर्क विद हर। रियल लाइफ में कितने स्पिरिचुअल हैं आप? बहुत, पूजा पाठ करते हैं, मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ और मैं भगवान को याद करता हूँ गाड़ी में हमेशा, मतलब हमारा मतलब बचपन से ही भगवान का पूजा पाठ करना रोज़, फिर निकलना, शाम को दिया बत्ती घर में होती है, तो होल फैमिली इज़ लाइक दैट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। देखिए, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।